सिटी टू सेव और सेविंग फंक्शन अभी अभी हमने देखा था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या मतलब था उसका इकोनॉमी में वॉट इज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दैट द इकोनॉमी स्पेंड तो प्रोपेंसिटी टू सेव का क्या मतलब हो गया था प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम दैट द इकोनॉमी इज विलिंग टू सेव सिंपल टर्म्स है एक बार वो किश भी देख लेते हैं लाइक कंजम्पशन सेविंग इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ इनकम दैट मीन्स सेविंग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम भाई हमारी कंजम्पशन तो डेफिनेटली हमारे लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करती है बट हमारी सेविंग्स भी तो उसी पे डिपेंड करेगी क्यों बिकॉज सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन ठीक है लेट से आपकी इनकम दी हंड्रेड रुपीज उसमें से आपने कंज्यूम कर दी दैट मीन्स आपने स्पेंड कर दी एटी रुपीज तो हंड्रेड माइनस एटी वेल गिव यू ट्वेंटी दैट इज योर सेविंग्स देखो सेविंग इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द कंजम्पन एक्सपेंडिचर जो मैंने अभी अभी आपको बताया दैट इज सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंज़म्पशन सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम दैट मीन्स एस इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट वाई तो एस मतलब क्या हो गया सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप विथ वाई दैट इज योर नेशनल इनकम ठीक है न वॉट इज सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव शोज द सेविंग ऑफ हाउस होल्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड दैट मीन्स अभी के टाइम पीरियड में अभी की अगर मैं बात करूं तो करंट लेवल ऑफ इनकम पे हाउस होल्ड ने कितने पैसे सेव किए हैं दैट इज योर प्रोपेंसिटी टू सेव ऑल्सो प्रोपेंसिटी टू सेव शोज द डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेविंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी इसके अलावा अगर इकोनॉमी में इनकम चेंज हुई है तो दैट इन दैट वे विद द चेंज इन इनकम कितने लेवल से चेंज हुई है यह भी हमें कौन बताता है द प्रोपेंसिटी टू सेव एक सम देखो तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा सी देयर इज द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम देखो जीरो हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड सेम सम है कंज्पन क्या है फोर्टी वन ट्वेंटी टू हंड्रेड टू एट्टी थ्री सिक्सटी फोर फोर्टी एंड फाइव ट्वेंटी दैट्स योर कंजम्पशन अभी अभी मैंने आपको क्या बताया सेविंग का क्या फॉर्मूला था इनकम माइनस तो फटाफट हम लोग सेविंग्स निकालते हैं देखो सेविंग इज इक्वल टू इनकम वाई मीन्स इनकम सी मीन्स कंजम्पशन तो एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी ठीक है फटाफट सेविंग्स निकालते हैं जीरो माइनस फोर्टी माइनस फोर्टी दैट मीन्स इनकम तो जीरो थी बट हम कुछ कंज्यूम कर रहे थे तो वो पैसे कहाँ से आएंगे हमने हमारी सेविंग्स तोड़ी होगी तो हमने क्या किया हमने डिस सेव कर लिया तो यहाँ पे सेविंग्स हो गया माइनस फोर्टी अब सेकेंड पॉइंट देखो यहाँ पे आपकी इनकम तो जनरेट हुई है हंड्रेड रुपीज इज योर इनकम बट योर एक्सपेंसिस योर कंजम्पशन योर स्पेंडिंग इज वन ट्वेंटी रुपीज तो यहाँ पे आपकी सेविंग्स वापस टूटी है थोड़ी दैट इज माइनस ट्वेंटी हंड्रेड माइनस वन ट्वेंटी विल गिव यू माइनस ट्वेंटी फिर आपकी इनकम और इंक्रीज हुई बट विद द इंक्रीज इन इनकम आपका कंजम्पशन भी इंक्रीज हुआ क्यों इंक्रीज हुआ क्योंकि डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो टू हंड्रेड माइनस टू हंड्रेड विल गिव यू जीरो दैट मीन्स यहां पे फाइनली आपका ब्रेक इवन आ गया दैट मीन्स आप कुछ भी सेव नहीं कर रहे बट साथ में आप कुछ भी डिस सेव भी नहीं कर रहे देखो हमने इसके पहले वाले पॉइंट्स में क्या देखा आप कुछ डिस सेव कर रहे हो दैट मीन्स योर सेविंग्स इज नेगेटिव यहां पे यू हैव जीरो सेविंग्स अब इसके बाद वाले आप सारे पॉइंट देखो आपके सारे के सारे पॉइंट्स में आपकी सेविंग पॉजिटिव है लेट्स से 300 हंड्रेड वॉज इनकम माइनस टू एट्टी वॉज योर कंजम्पन तो सेविंग इज ट्वेंटी फोर हंड्रेड माइनस थ्री सिक्सटी विल गिवर्टी फाइव हंड्रेड माइनस फोर फोर्टी विल यू सिक्सटी एंड सिक्स हंड्रेड माइनस फाइव ट्वेंटी तो बेसिकली हमने तीन फेज देखे फर्स्ट नेगेटिव सेविंग सेकेंड जीरो सेविंग एंड थर्ड इज योर पॉजिटिव सेविंग कब हो सकते हैं तीनों फेज फर्स्ट फेज तब हो सकता है जब आपका कंजम्पन आपके इनकम से ज्यादा हो जब आपका कंजम्पशन आपके इनकम से ज्यादा होगा तब आपका सेविंग्स नेगेटिव होगा सेकेंड फेज क्या था इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन कब पॉसिबल है सीधी बात है जब इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन तब सेविंग्स क्या होगा जीरो होगा थर्ड फेज मैंने क्या बताया पॉजिटिव सेविंग्स दैट मींस हियर योर इनकम इज मोर देन योर कंजम्पशन देखो यहां पे इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा है तो अल्टीमेटली आपका जो सेविंग्स है वो पॉजिटिव होगा सिंपल अब देखते हैं थोड़ा सा सेविंग्स कर्व के टूवर्ड चलते हैं चलो कि हाउ टू प्लॉट दिस ऑन अ ग्राफ दिस इज योर सेविंग्स ग्राफ देखो दिस इज योर सेविंग्स ग्राफ मैंने पहले भी बताया था सेविंग कर्व हमेशा नेगेटिव से शुरू होगा क्यों नेगेटिव से शुरू होगा क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन तो आप कुछ कर रहे हो देखो इनकम जीरो कंजम्पशन फोर्टी दैट मीनस आपने क्या किया आपने डिस तो दिस इज द फर्स्ट फेज फर्स्ट फेज दैट इज डिस सेविंग दैट मीन्स योर सेविंग्स इज नेगेटिव सेकेंड फेज मैंने क्या बताया वेयर योर सेविंग इज जीरो दैट मीन्स योर कंजम्शन इज इक्वल टू योर इनकम सो दिस पॉइंट दिस इज सेविंग इज इक्वल टू जीरो मैंने क्या बोला था दिस पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट दैट मीन्स द पॉइंट ऑफ जीरो सेविंग्स ठीक है एंड दिस इज द थर्ड फेज थर्ड फेज मतलब वेयर योर इनकम इज मोर देन योर कंजम्पशन दैट कंजन अब आप फाइनली कुछ सेव कर रहे हो तो देखो सेविंग्स अब फाइनली पॉजिटिव है ठीक है आई होप इज नो डाउट लेट्स कम टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब भी हम सेविंग कर्व बनाएंगे तो हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं क्या पॉइंट्स है फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व मैंने पहले भी क्या बताया था कंजम्पशन कर्व तो यहां से शुरू होगा कंजम्पशन कर्व का स्टार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा एंड बिकॉज कंजम्पन कर्व का स्टार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा इसीलिए सेविंग्स कर्व का स्टार्ट हमेशा नेगेटिव होगा क्यों वापस बता देता हूं एक बार देखो यहां पे आपका कंजम्पशन है फोर्टी इनकम है जीरो दैट मीन्स आपकी सेविंग्स माइनस फोर्टी होगी तो देखो आपका जो स्टार्ट होगा वो नेगेटिव पे होगा समझ में आया सेकेंड स्लोप ऑफ सेविंग कर्व इट इज अपवर्ड स्लोपिंग क्यों क्यों होता है अपवर्ड स्लोपिंग कर्व कोई भी जब देर इज अ पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशनशिप दैट मीन्स विद द इंक्रीज इन इनकम सेविंग शुड ऑल्सो इंक्रीज देखो यहाँ पे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है जीरो से हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड हमारी इनकम धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे देखो हमारी सेविंग्स भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है माइनस फोर्टी से माइनस ट्वेंटी जीरो ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी एटी हमारी इनकम के साथ साथ हमारी सेविंग्स भी इंक्रीज हो रही है सो इट इज हेंस प्रूव्ड कि सेविंग्स विल ऑलवेज हैव अ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व थर्ड पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट ये भी मैंने आपको बता दिया ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा व्हेन योर इनकम इज इक्वल टू योर कंजम्पशन तो यहां पे आप जीरो सेव करोगे बट एट द सेम पॉइंट आप जीरो डिस सेव करोगे दैट मींस नो सेविंग्स द पॉइंट ऑफ नो चेंज इन सेविंग्स लास्ट पॉइंट पॉजिटिव सेविंग यहां पे नेगेटिव सेविंग थी यहां पे जीरो सेविंग थी यहां पे क्या है पॉजिटिव सेविंग ये पॉइंट कब आएगा व्हेन योर इनकम इज मोर देन योर कंजम्पशन सिंपल तो यहां पे हमने हमारा सेविंग फंक्शन खत्म कर दिया नाउ लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव